दोस्तों आज बात कर लेते हैं कि आखिरकार जो क्रिकेट साउथ अफ्रीका ने फैसला लिया है एबी डिविलियर्स को रिजेक्ट करके वर्ल्ड कप में ना खिला के, तो क्या ये फैसला सही था या फिर बहुत ही बड़ी गलती कर दी क्रिकेट साउथ अफ्रीका के मैनेजमेंट ने, इस वीडियो में कम्प्लीटली सारी बातचीत करेंगे। तो आप सभी को करना क्या है, हमेशा की तरह जो है वीडियो को कर दीजिए एक लाइक शेयर, और आगे जो है ऐसे ही इंटरेस्टिंग टॉपिक के ऊपर बात करने के लिए सब्सक्राइब तो याद से ही कर लीजिए। जैसा कि हम सभी को पता है, अभी जो है एक वाकया हम सभी के सामने आया है कि जो अफ्रीका के कोच और उनके कैप्टन थे फैब डुप्लेसी, दोस्तों उन्होंने जो है एबी डिविलियर्स को ऑफर किया था वर्ल्ड कप में खेलने के लिए रिटायरमेंट के बाद भी, लेकिन जो टीम मैनेजमेंट है, जो बोर्ड है, उन्होंने इस ऑफर को ठुकराया क्योंकि वो चाहती है कि डिविलियर्स के बदले में कोई नए खिलाड़ियों को मौका दिया जाए। देखिए, अगर उनको मौका देना ही था तो वो किसी भी वनडे सीरीज में दे सकते थे, लेकिन वर्ल्ड कप इतना बड़ा मंच है, 4 साल के बाद वर्ल्ड कप आता है, उसके अंदर आप सभी को जो है अपने बेस्ट 11 खिलाड़ी को उतारना पड़ेगा, और मुझे लगता नहीं है कि एबी डिविलियर्स से अच्छा खिलाड़ी अफ्रीका को शायद ही मिल पाएगा। तो ये जो है बहुत बड़ी गलती कर दी है अफ्रीका के मैनेजमेंट ने। वो चाहती थी तो डिविलियर्स को वर्ल्ड कप में खिला के उसके बाद उनको हटा सकती थी, फिर जो है किसी नए खिलाड़ी को मौका दे सकती थी, लेकिन उन्होंने वर्ल्ड कप में ही नए खिलाड़ी को मौका दिया, वहाँ पे नए प्लेयर्स को ट्राई कर रही है। तो यहाँ पे उसे देखा जाए तो कम्प्लीटली थोड़ी सी रॉन्ग डिसीजन हो गई है टीम मैनेजमेंट के द्वारा। और दोस्तों जो टीम मैनेजमेंट था अफ्रीका का, उन्होंने दूसरी बात ये कही थी कि जो डिविलियर्स है उन्होंने 1 साल के अंदर कोई भी क्रिकेट यानी कि डोमेस्टिक क्रिकेट नहीं खेला साउथ अफ्रीका में। तो क्या जो डिविलियर्स नहीं खेले तो क्या उनकी प्रैक्टिस, जो उनकी स्किल है वो कम हो गई? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। जो डिविलियर्स थे अगर शायद से इस वर्ल्ड कप में खेलते थे तो जो टीम है अफ्रीका उनकी रीढ़ की हड्डी बन सकते थे, लेकिन दुर्भाग्यवश जो टीम मैनेजमेंट थे, क्या पता उनके दिमाग में क्या चल रहा है कि उन्होंने इतने बड़े खिलाड़ी एबी डिविलियर्स को रिजेक्ट कर दिया, ठुकरा दिया। अब ये जो है मेरे ख्याल से साउथ अफ्रीका को सेमीफाइनल में पहुंचने के लिए बहुत ही कड़ी मशक्कत करनी पड़ेगी, नहीं तो फिर इनके लिए आगे का जो सफ़र है वो बहुत ही ज़्यादा मुश्किल दिखाई देता है। तो दोस्तों आप सभी क्या सोचते हो इसके बारे में, आप सभी की क्या राय है बताओ नीचे कमेंट करके। आगे जो है वीडियोस आती रहेगी क्रिकेट के ऊपर, उसके लिए आप सभी को करना क्या है, बस लाइक शेयर और सब्सक्राइब। तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और क्रिकेट खेलते रहिए।